लेटेस्ट अपडेट्स के लिए अल्ट्रा चैनल्स को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें। वन में गए हम बिरछा देखे, तीर्थ गए तो पानी, मंदिर में हम पाथर देखे, प्रभु मूरत नहीं जानी। कबीर। आजादी के साथ धर्म और ईमान के नाम पर जो खूनी आंधी उठी, उसमें लाखों तो खत्म हुए और करोड़ों बेघर बेसहारा होकर रह गए। बदनसीब इंसानों का यह काफिला उस भयानक रास्ते पर छोड़ दिया गया जहां जिंदगी रो रही थी और मौत हंस रही थी। ये कहानी उन करोड़ों में से एक नौजवान की है। उसके बूढ़े माँ बाप उसकी आंखों के सामने खत्म कर दिए गए और वो हजार मुश्किलों से अपनी छोटी बहन और नन्हे भाई को लेकर इस आंधी से निकला। इंसान की इस हैवानियत को देखकर उसका दिमाग चकरा गया, उसका विश्वास हिल गया। भगवान की दुनिया में ऐसा क्यों, ऐसा क्यों? हालत क्या हो गई भगवान, देख तेरे संसार की हालत क्या हो गई भगवान। कितना बदल गया इंसान, कितना बदल गया इंसान। सूरज न बदला, चांद न बदला, ना बदला रे आसमान। कितना बदल गया इंसान, कितना बदल गया इंसान। आया समय बड़ा बेढंगा, आज आदमी बना लफंगा। कहीं पे झगड़ा कहीं पे दंगा, नाच रहा नर होकर नंगा। छल और कपट के हाथों अपना बेच रहा ईमान। कितना बदल गया इंसान, कितना बदल गया इंसान। देख तेरे संसार की हालत क्या हो गई भगवान। कितना बदल गया इंसान, कितना बदल गया इंसान। राम के भक्त रहीम के बंदे, रचते आज फरेब के फंदे। राम के भक्त रहीम के बंदे, रचते आज फरेब के फंदे। कितने ये मक्कार ये अंधे, देख लिए इनके भी धंधे। इन्हीं की काली करतूतों से हुआ ये मुल्क मसान। कितना बदल गया इंसान, कितना बदल गया इंसान। देख तेरे संसार की
हालत क्या हो गई भगवान, कितना बदल गया इंसान, कितना बदल गया इंसान। जो हम आपस में न झगड़ते, बने हुए क्यों खेल बिगड़ते, काहे लाखों घर ये उजड़ते, क्यों ये बच्चे माँ से बिछड़ते, फूट फूट कर क्यों रोते प्यारे बापू के प्राण, कितना बदल गया इंसान, कितना बदल गया इंसान। देख तेरे संसार की हालत क्या हो गई भगवान, कितना बदल गया इंसान, कितना बदल गया इंसान। राधे कृष्ण राधे कृष्ण राधे कृष्ण। ये कोठरी धर्मशाला में सबसे अच्छी है। राधे कृष्ण राधे कृष्ण राधे कृष्ण राधे कृष्ण राधे कृष्ण राधे कृष्ण। किराया क्या होगा? किराया महंत तुलसीदास जी किराया लेंगे धर्मशाला का, हजारों रुपयों का चढ़ावा चढ़ता है उनकी मंदिर पर। राधे दान देना पड़ेगा। पेशगी वैसे तो 20 रुपया है, मगर इस कोठरी के 30, क्योंकि यहाँ से मंदिर के दर्शन होते हैं। राधे कृष्ण राधे कृष्ण राधे कृष्ण राधे कृष्ण। ये लो दान पेश की। राधे कृष्ण राधे कृष्ण राधे कृष्ण राधे कृष्ण। भैया क्या है मुन्ना? पनीर पसंगा भैया। पनीर पसंगा कल तेरा पलंग भी आ जाए। बच्चा बीमार मालूम होता है, रोज ही कमाना हो तो सुबह मंदिर चले जाना। कई मोटे यात्रियों के लिए मंदिर के 100 सीढ़ियां चढ़ना कठिन होता है, उनको भगवान तक उठा ले जाने का चार आना मिल जाएंगे। राधे कृष्ण राधे कृष्ण। जय राम जी की महाराज, जय राम जी की महाराज। मुन्ना ये देखो तुम्हारा पलंग आ गया। माँ कहाँ है भैया? माँ माँ आ जाएगी, तू सो जा। कुछ नकदी बची? हाँ ये लो। ये मंदिर में चढ़ा। मंदिर जाने से क्या होगा पगली? मुन्ना जब कभी बीमार होता था तो माँ मंदिर में चढ़ावे चढ़ाए करती थी। माँ ने तभी मुन्ने का सुख भी देख लिया। भगवान की माया हम नहीं समझ सकते भैया। सारी उम्र हमने उसकी पूजा की और ये बदला दिया उसने। मंदिर जाना भैया। मंदिर जाऊं? मेरे लिए बहुत प्रसाद लेके आना। मैं मंदिर जाऊंगा, तेरे लिए बहुत प्रसाद लाऊंगा। हरिओम हरिओम हरिओम। कहिए सेठ लक्ष्मीदास जी, आज भगवान के लिए क्या लाए? लीजिए महाराज ये 300 रुपए। अच्छा अच्छा, भगवान को भी तो आप ही ने बस में किया हुआ है। क्यों दूं बेटी? जितना गुण उतना ही मीठा महाराज। महाराज ये शरणार्थी अपने ही धर्मशाले में उतरा है। मेरा छोटा भाई है, प्रसाद जरा ज्यादा दीजिए तो खुश हो जाएगा। अरे चलते बनो, रास्ता रोक कर खड़े हो गए, आ जाते हैं बगैर नहाए धोए मंदिर प्रवेश करने। अबे घूरता क्या है कंगाल, ये ले अपने रुपए, भगवान तेरे जैसों के टुकड़ों पर नहीं पलते।
अब चल हट, सामने से भक्तों को भगवान के दर्शन कर देते। आइए आइए सेठ जी। जय हो जय हो। आपके क्या लाए? मालूम है सेठ लक्ष्मीदास जी कितना चढ़ा गए? 500 है महाराज। आप भी भक्ति में क्या किसी से कम है? ये पत्रा भैया, मुन्ने का सांस उखड़ा जा रहा है। मुन्ने, मुन्ने, मेरे मुन्ने, मेरे बच्चे, मुन्ने, मुन्ने। अनिल भैया, मंदिर से फौरन पुजारी को लिया, राम नाम का जाप करेंगे तो मुन्ना जरूर बच जाएगा। राम नाम? भैया वक्त मत खो, मुन्ना पिछले साल इसी तरह बीमार हुआ था तो माँ ने जाप करवाया था, जाप से जरूर ठीक हो जाएगा। जाओ जल्दी पुजारी जी को ले आओ। पुजारी को? पुजारी एक भीख मंगे के भाई को बचाने क्यों आएगा? उनसे कहो इस वक्त सहायता कर दें, मेहनत मजदूरी करके उनकी मुँह मांगी दक्षिणा दे देंगे। जाओ भैया, मुन्नी की हालत खराब हो रही है। पुजारी, पुजारी जी। कौन है? ओ, तुम फिर आ गए? क्या है? मेरा छोटा भाई बहुत सख्त बीमार है, राम नाम का जाप कर दीजिए चलकर। राम नाम का जाप तेरे भाई के लिए मैं करूं? तेरे होश ठिकाने हैं? मैं बड़े बड़े रईसों की यहाँ मुश्किल से जाता हूँ, जा यहाँ से। मैं आपको मुंह मांगी दक्षिणा दूंगा। तू मुझे मुंह मांगी दक्षिणा देगा? जा, जा। मैं आपकी उम्र में सेवा करूंगा, मेरे भाई को बचा लीजिए। अबे जा, अपने भाई के साथ जाके मर। मैं तुम्हें लेकर ही जाऊंगा। मेरे साथ चलना होगा समझे? अरे पकड़ो, चलो, ये ना तो चोर है, चोर, चोर है, ये चोर है। ये बदमाश मुझे मारकर भगवान का चढ़ावा चुराने आया था, ले चलो पुलिस में। मैं चोर नहीं हूँ, मैं इन्हें अपने मरते हुए भाई के जाप के लिए लेने आया था। छोड़ दो मुझे, खबरदार छोड़ना मत इसे, ऐसे डाकुओं को छोड़ नहीं देते। ले चलो इसे। मेरी बहन की आवाज आ रही है, मुझे छोड़ दो, मेरे भाई की लाश उठाने वाला भी कोई नहीं। मत छोड़ो इस बदमाश को, पहले गला दबाया अब दया की भीख मांगता है, ले चलो इसे। होश में आओ मुन्ने, होश में आओ मुन्ने, होश में आओ। अभी आएंगे, अभी तेरे लिए प्रसाद लाएंगे। महंत तुलसीराम और उनके साथियों ने अदालत के स्टेज पर इंसाफ और कानून की पुतलियों को नहायत ही कामयाबी के साथ नचाया है। वो जो बहाना थे, भगवान की कसमों के जोर पर आपको यकीन दिला चुके हैं कि उन्होंने मुझे महंत पर कातिलाना हमला करते देखा है, और वो ईश्वर पर जो मुझे जानते भी नहीं, आपको विश्वास दिला चुके हैं कि मैं चोर लुटेरा डाकू और कातिल हूं। मगर वो ये अच्छी तरह जानते हैं, जब मैं मंदिर में महंत के पास गया तो एक लुटेरा और कातिल बनकर नहीं, बल्कि अपने मरते हुए नन्हे भाई के लिए भिखारी बनकर मैंने भगवान की मूर्ति के सामने महंत के पांव पकड़े, रोया, गिड़गिड़ाया, मगर ना तो भगवान और न ही उसका ये भक्त मेरे मरते हुए भाई की धीमी पुकार को सुन सके। मैं ऐसे भगवान पर हरगिज विश्वास नहीं रख सकता। आज से मैं नास्तिक भी हूं, कातिल भी और लुटेरा भी। योर ऑनर, महंत साहब का बयान और दूसरी गवाहियों से साफ साबित होता है कि मुल्जिम कोई मामूली चोर या डाकू नहीं, बल्कि खतरनाक नास्तिक है जिसने खुदा के घर में डाका डालने की कोशिश की। योर ऑनर, ऐसे संगीन जुर्म और ऐसे महापाप की सजा इतनी कड़ी होना चाहिए, सबको सबक हासिल हो सके। मुजरिम अनिल कुमार को 1 साल कैद सख्त की सजा दी जाती है। महंत साहब, ये बाजी बेशक आपके हाथ रही, मगर ये पहली बाजी थी, आखिरी नहीं। जेल से निकलते ही मैं आपसे अपने भाई का बदला चुकाने आऊंगा। किसके हवाले किए जा रही हो भैया? मुझे क्यों छोड़े जा रही हो?
घबराओ मत कमला, मैं जल्दी आ जाऊंगा। ये दिन किसी तरह भी गुजारो। भैया मुझे मत छोड़ो। ले चलो मुझे। भैया चलो। नहीं बहन जी, मुझे मत निकालो बहन जी, मैं बयान से कहा जाओ। मेरा भाई मुझसे बदला ले और मैं तुझे आसरा दूं, देखते क्या हो तू बेटी। चलो भैया। कमला, कमला क्या हुआ बाबू? ऐसे लगा जैसे मुझे मेरी बहन पुकार रही हो। घबराओ मत दोस्त, भगवान उसकी रक्षा करेंगे। भगवान? भगवान कहाँ है भगवान? अरे दोस्त, भगवान है या नहीं ये बहस ही फजूल है। बेहतर यही है कि मान लो है, क्योंकि अगर बाद में पता चला भी कि नहीं है तो अपना बिगड़ता क्या है। मगर अब जो कहा कि नहीं है और कहीं बाद में निकल आया तो फिर तो बेड़ा गर्क करके ही छोड़ेगा। बड़ा जालिम आदमी है। दुखी हो? ये लो। हम भी तो भूखे हैं। छोड़ दे, छोड़ दे मुझे। सहारा देना ही होगा सरकार, और फिर ऐसी बेसहारा को। चलो देवी, प्रभु की यही इच्छा है कि हम तुम्हारी रक्षा करें। आप कौन है? कुमार साहब को नहीं जानती? शहर के मशहूर दानी और लोक सेवक है। बीसियों यतीम खाने और आश्रम इनके नाम पे चलते हैं। लालो इन्हें पटन में बैठाओ। जी सरकार। आइए चलिए ना। कमबख्त की खूबसूरती ने नशा हरम कर दिया है। मगर सरकार अब इसे कौन से आश्रम में ले जाना है? वही जमुनाबाई के बजरे पर। जालिम देखने में सिर्फ खूबसूरती ही नहीं, आवाज भी खूब है। वो रक्कासा बनेगी कि दुनिया नाच उठेगी। ये बाजी बेशक आपके हाथ में, मगर ये पहली बाजी आखिरी नहीं। जेल से निकलते ही मैं आपसे अपने भाई का बदला चुकाने आऊंगा। कौन है? मैं हूं महाराज। चौपट की बाजी लगेगी। आज आप नहीं बच सकते, आज आप नहीं बच सकते। मैं नहीं बच सकता, मैं नहीं बच सकता। नास्तिक बाबू कहाँ जा रहे हो यार? कहीं नहीं। अजीब बात है, मैं भी वहीं जा रहा हूँ। आइए। कौन है भाई? ओ अनिल बाबू। मेरी बहन यहाँ रहती थी। तुम्हारी बहन? उस बिचारी का क्या पूछते हो? तुम्हारे नन्हे भाई की मृत्यु हो जाने के बाद महंत तुलसीदास जी ने उसे धक्के मार कर निकाल दिया था। तुम्हें चीख चीख कर पुकारती हुई न मालूम किधर चले गई। महंत जी। हाँ, अरे महंत तुलसीराम कहाँ है?
वो तो आज सवेरे ही तीर्थ यात्रा पर चले गए। कौन सी तीर्थ को? ये किसी को बता के नहीं गया भाई। भाग गया कायर। आखिर कभी तो लौट के आएगा। आओ मैं तुम्हें आज अपने एक तीर्थ की यात्रा करवाता हूँ। मुझे अपनी बहन की तलाश करनी है। अरे भाई तो तलाश भी किए जाओ, रोकता कौन है? आओ तो मेरे साथ आओ। जय राधे कृष्ण। तुम झूठे हो, बदमाश हो, धोखेबाज हो। झूठे और बदमाश तो जेल में होते हैं, जैसे तुम्हारा भाई। अब मुझ में बर्दाश्त किताब नहीं। बाहर महफिल में तुम्हारे गाने का इंतजार हो रहा है। छोड़ दे मुझे बदमाश, मैं गाना नहीं गाऊंगी। नहीं गाएगी, गाना ही पड़ेगा। मेरे पास फालतू वक्त नहीं है। जिद न करो बहन, ये लोग किसी भी जुर्म से चूकने वाले नहीं। एक गाने की तो बात है, अपनी इज्जत और आबरू के लिए गा दो। यहाँ क्या है जोकर? वो देखो उस पार कश्ती में नाचने और गाने का इंतजाम है। आओ आज जरा हो जाए तक देना दिन। जिसके कानों में आहों और चीखों का एक तूफान गूंज रहा हो वो गाना क्या सुनेगा? नहीं तेरे होते हुए आज मैं लुट रही मेरे माथे पे लग रहा दाग। अरे पत्थर के भगवान तू है कहाँ, तेरी दुनिया में लग जाए आग, तेरी दुनिया में लग जाए आग। तेरे होते हुए आज मैं लुट रही के भगवान तू है कहाँ, तेरी दुनिया में लग जाए तेरे होते हुए आज मैं लुट रही। चंद चांद
जेल जाने के बाद मैं बेसहारा हो गई थी, इसीलिए पाप का सहारा ले लिया। ये कुमार साहब मुझे पना देने के बहाने यहाँ ले आए, कई दिन भूखा प्यासा रखा और पीटते रहे, मगर मैंने गाने से इनकार किया। आखिर मेरी इज्जत पर हमला करने की धमकी देकर मुझे मजबूर कराए, मुझे माफ कर दो भैया। खबरदार, इन भ्रष्ट हाथों से मुझे मत छूना। बेशिया बनने से पहले तू मर जाती तो तेरी लाश देखकर मुझे इतना दुख ना होता। मैं मर जाऊंगी, मैं डूब मरूंगी, मुझे एक बार अपनी चरण छूने दो, बहुत दिनों के बाद मिलो। जीते जी अब तेरे हाथ मुझे नहीं छू सकते। भैया भैया भैया, अच्छा मैं मर जाऊंगी तो एक बार अपनी पांव से मेरी लाश छू लेना। कमला, 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 कमला। मैं मर जाऊंगी, तू एक बार अपनी पाँव से मेरी लाश छू ले। मेरी कमला, मैं तुम्हारी जान का हत्यारा हूं, मैंने तुम्हें मार डाला। कमला, कमला, एक बार अपने भाई से मिलो तो, बोलो तो। देखो तुम्हारा भाई तुमसे मिलने आया, उसे माफ कर दो कमला। कमला, कमला, तुम्हारा भाई तुमसे माफी मांग रहा है। कहां है तुम्हारा बहन का प्रेम, अब क्यों नहीं बोलती? मुझसे लूट गई मेरी। ईश्वर की यही इच्छा थी बाबू। ईश्वर की यही इच्छा? ईश्वर की इच्छा निर्दोष मासूमों और नन्हों की मौत ही में है? कुमार साहब से मिलना। कुमार, मगर वो तो तीर्थ यात्रा पर गया। तीर्थ यात्रा? जी हाँ, जब कभी यहाँ पर पुलिस की सरगर्मी ज्यादा बढ़ जाती है तो वो सीधा तीर्थ यात्रा पर निकल जाते हैं। ठीक, पापियों के छुपने के लिए तीर्थों से ज्यादा अच्छी जगह कौन सी होगी? अब क्या प्रोग्राम है नास्तिक बाबू? महंत तीर्थ यात्रा को निकल गया और कुमार भी, हमें भी उनके पीछे ही जाना होगा। मानता हूं उस्ताद, तू भी इस नास्तिक को तीर्थ यात्रा करवा कर ही छोड़ेगा। धन्य। आओ
दिन से भूखा हूँ मैं, एक पैसा दे दो माई। पवित्र जल से प्रभु के पुजारियों ने तन तो साफ कर लिया मगर मन का मैल न धो सके। तुलसी, इस संसार में भांत भांत के लोग, सबसे हिलमिल लीजिए नदी नाम संजोग। अच्छा तुम उधर देखो, मैं उधर ढूंढता हूँ। हरिओम हरिओम हरिओम। ये रमा है? रमा, महंत जी कहाँ है बेटी? पिताजी तो स्नान पूजा करके चले भी गए। अच्छा, तुम सूर्य नमस्कार कर रही हो? हाँ रानी माँ। भगवान की कृपा से अब तुम बड़ी हो गई बेटी, सूर्य देवता से अपने लिए अच्छे वर की प्रार्थना किया करो। अच्छे वर के लिए प्रार्थना? साहिबा का छोलिया तूने? ताजी बदमाश, बच्चे पर हाथ ना लगा। शर्म नहीं आती? अबे कौन हो जी तुम? मैं इंसान हूँ जो कि तुम नहीं हो। इंसान होते तो ऊंच नीच की तमीज रखते, एक ब्राह्मण देवता के मुकाबले में मैले नीच केले की सहायता न करते। मैल मन का होता है, तन का नहीं। मैले आप हैं जिनके दिल में इस बच्चे के लिए मैल आया। तो यानी अछूत हमको छुआ करे, हमारा धर्म भ्रष्ट करे और हम उनको आशीर्वाद दें? जो धर्म एक मासूम बच्चे की परछाई से भ्रष्ट होता है उसका सर्वनाश करना ही धर्म है। जो धर्म इंसान को इंसान पर जुल्म सिखाता है उस धर्म को खत्म करना ही धर्म है। तुम शास्त्रों के लिखे गलत बतलाते हो, ईश्वर के कानून को झुठलाते हो। मैं तो सिर्फ शास्त्रों के लिखे को गलत बतलाता हूँ मगर तुम कुदरत और इंसानियत के लिखे को गलत बतलाते हो। तुम शास्त्र पढ़कर इंसानियत भुला बैठे हो। ये कैसा धर्म है जो इंसान इंसान में फर्क रखता है? आंखें खोलो और देखो, दुनिया तुम पर हंसती है। दुनिया हम पर नहीं, दुनिया तुम पर हंसती है। चलो बताएं जी, ऐसे नीच के मुंह लगने ना भी हमारी है। चलिए सरकार मुंह रख। देवता ने राक्षसों को भगा दिया। बच्चे को गहरी चोट आई? जी हाँ, मैं इसे मरहम पट्टी के लिए घर लिए जाती हूँ। आपको छूछात का डर नहीं? जब भगवान सब में है तो फिर भगवान को भगवान से क्या छू? बाबा जी, तुम भी हमारे साथ चलो ना। मैं तुम्हें देखने आऊंगा। हम यहाँ पीछे की धर्मशाला में उतरे हुए। अच्छा। सुनिए, जरा देखभाल के आइएगा, घर में तो मुझे भी अच्छुत को चोरी ही रखना पड़ेगा। मिल गया, आओ मेरे साथ। हरिओम तत्सत, हरिओम तत्सत, हरिओम तत्सत। आपके महंत साहब इस धर्मशाला में विराजमान है। वहाँ? जी हाँ। क्या करूं महाराज, दोस्ती का फर्ज था, वरना मैं तो अहिंसा में मानने वाला आदमी। कल्याण हो रानी माँ। आपने मेरे यहाँ कृष्ण पूजा करके बड़ी कृपा की है महाराज, ये दक्षिणा स्वीकार कीजिए। जय श्री कृष्ण, जय श्री कृष्ण। हम तो तुम्हारे माथे से पहचान गए थे कि कोई श्रद्धालु शरीर है। कुछ नहीं महाराज, ये तो भिलनी के बेर है। इन्हें सुदामा के सत्तू समझो रानी माँ, जिन्हें स्वीकार करके भगवान ने सुदामा को संसार सौंप दिया था। धन्य हो महाराज, धन्य हो महाराज।
आपके यहाँ पधारने की खुशी में मैंने रासलीला का प्रबंध किया है। जो भक्तों की इच्छा। महाराज आपकी रमा भी रासलीला में भाग ले रही है। ओ, मेरी बेटी तो कृष्ण दीवानी है। जय श्री कृष्ण। Yeah.
क्या हुआ पिताजी? अरे बेटी, कोई छुरा मार गया मुझे। कोई दक्षिणा की थाली में उठा ले गया। रानी माँ, रानी माँ, कोई डॉक्टर को बुला। हाँ बेटा, पहले इन्हें अंदर उतारो। हाँ, उठाओ, उठाओ। अरे यो, अरे यो, अरे ओम, घबराने की कोई बात नहीं, जख्म बिल्कुल मामूली है, जल्द अच्छे हो जाएंगे। आ गया रानी माँ। मेरे पिता जल्द अच्छे हो जाएंगे। हाँ बेटी, भगवान को इस शरीर से और काम लेना है, इसलिए बचा लिया मुझे। हरिओम, हरिओम, हरिओम। चलो बेटी, इन्हें अकेले में आराम करने दो। नहीं नहीं, मुझे अकेले न छोड़ना। डरने की कोई बात नहीं है महाराज, धर्मशाले के बाहर पुलिस का पहरा बैठा दिया है। डर डर डरता कौन है? ये मट्टी का चोला तो एक ना एक दिन त्यागना ही होगा। मैंने सोचा कि साथ संगत में जरा ईश्वर की लीला पे विचार हो जाता। डरता कौन है? हरिओम। अंधे हो, लंगड़े, लूले और भूखे हो, फिर भी दाता की जय बोलते हो। ये तो हमारे कर्मों का फल है। कर्मों का फल है? अरे इन मोटे मोटे सेठों को देखो, इनके कर्म सारा दिन धोखा और फरेब के सिवा क्या है? ये अंधे क्यों नहीं होते? ये लंगड़े और लूले क्यों नहीं होते? बोलो। ईश्वर की माया है बाबा। अरे ईश्वर की माया यही है कि इनके पास तो माया है और तुम्हारे पास कुछ नहीं, बस यही ईश्वर की माया है। अरे दाता की जय बोलने से क्या होता है? पत्थर भी कभी सुनते हैं? इंसान की जय बोलो, मेरी जय बोलो और झोलियां भर लो। दाता वो जो दे। कितने दयालु हैं आप। आपके पिताजी का क्या हाल है? ईश्वर की कृपा से उन्हें ज्यादा घाव नहीं आया। तो यानी वो बच गए। जी, आप मेरे साथ मंदिर चलेंगे? मंदिर? मैं पिताजी की सेहत के लिए मंदिर पूजा करने जा रही हूँ। आप जैसे देवता उनके लिए प्रार्थना करेंगे, वो जल्द अच्छे हो जाएंगे। ये जेवर कहाँ ले लिया? आप चलिए, मुझे कुछ काम है। कोई नास्तिक था सरकार, बोलता था ईश्वर नहीं है। वो गया सरकार। चलो
आया, सुनो रे भाई प्रभु ने सुदर्शन घुमाया। कठिन समय जब ब्रिज पर आया, प्रभु ने गोवर्धन उठाया। सुनो रे भाई प्रभु ने गोवर्धन उठाया, सुनो रे भाई प्रभु ने गोवर्धन उठाया। सब चिंताएं भक्त जनों की सब चिंताएं प्रभु ने पल में मिटाई। सुनो रे भाई प्रभु ने पल में मिटाई। जय जय राम रघुराई, जय जय राम रघुराई। कौन छुएगा उसकी परछाई रे, जिसको बचाने वाला साईं। सुनो रे भाई जिसको बचाने वाला साईं। जय जय राम रघुराई, जय जय राम रघुराई। जय जय कृष्ण कन्हाई, जय जय कृष्ण कन्हाई। जय जय राम रघुराई, जय जय राम रघुराई। महाराज आप नींद में बोल रहे हैं क्या? हरिओम। हाँ रानी माँ, अभी अभी सपने में मुझे अमरनाथ जी के दर्शन हुए। जय अमरनाथ जी की। मैं समझता हूँ
ये अमरनाथ जी का बुलावा है, मुझे आज ही वहां चल देना चाहिए। परंतु महाराज, अभी तो आप बहुत ही कमजोर हैं। नहीं नहीं रानी मां, अब मैं कैसे रुक सकता हूं? उनकी आज्ञा हो चुकी है, मुझे जाना ही होगा। सत्य वचन महाराज, ये दुर्घटना मेरे घर में हुई है, आपकी आज्ञा हो तो अमरनाथ यात्रा का प्रबंध मैं ही आपके साथ चलकर करूं। जैसी इच्छा तुम्हारी रानी माँ, भक्तों को तो भगवान भी ना नहीं कर सकते। रमा बेटी कहाँ है? रमा बेटी यहाँ है पिताजी, मैं आपके लिए मंदिर पूजा करने गई थी। उच्च कुल की बहु बेटियों की यही लक्षण है महाराज। बेटी जल्दी तैयार हो जाओ, हम अभी अमरनाथ जा रहे हैं। अभी? मगर पिताजी, मुझे तो कल फिर कृष्ण मंदिर जाना है। नहीं मेरी बच्ची, मुझे शिव शंकर का संदेश आ चुका है, मैं एक पल भी यहाँ नहीं ठहर सकता। बाबूजी, वो लोग तो चले गए। कहाँ? तीर्थों को। कौन से तीर्थ को? वो किसी को बताकर नहीं गए, एकदम रात को चले गए। रानी साहिबा के घर तो नहीं गए? वो भी उनके साथ चली गई। फिर भाग गया कायर, मगर अब मौत ही मुझे उससे दूर रख सकती है, मेरी मौत या उसकी। आखिरी प्रार्थना कर लो पुजारी जी। महाराज कौन? कोई कितना ही दूर भागे लेकिन मौत से नहीं भाग सकता। आप भागने न पाओगे पुजारी, बचाओ बचाओ। यहाँ तुम्हारी आवाज तुम्हारा भगवान भी नहीं सुन सकता। तरस खाओ, इस बूढ़ी जान पर तरस खाओ, मैं तुमसे अपनी जान की भीख मांगता हूँ। एक दिन मैं भी तुमसे एक नन्ही सी जान की भीख मांगने आया था, जिन्हें भीख देना नहीं आती उन्हें भीख मांगने का भी कोई अधिकार नहीं। नहीं, नहीं, मैं मारा मत, मैं भक्ति मुझ पर दया कर, मेरे लिए नहीं, मेरी बच्ची के लिए, मेरे एक ही बेटी है, वो मुझे जान से ज्यादा प्यारी है, खतरा हो जाएगी, बर्बाद हो जाएगी। आपकी बेटी बर्बाद हो जाएगी? मेरी बहन बेशिया बाजार में आबाद की गई। दया, दया की दरखास्तें फजूल हैं पुजारी। जिस तरह मेरे भाई की लाश खाने वाला कोई न था, उस तरह आज तुम्हारी लाश खाने वाला भी कोई न होगा। यहाँ करते रहोगे कि तुम्हारा मांस नोचेंगे, कुत्ते तुम्हारी हड्डियां चबाएंगे, तुम्हारा काला पंजा बचाओ। खत्म हो गया। आप कौन है? मेरा नाम विनोद है। विनोद जी, रानी माँ के बेटे? जी हाँ। आप महंत तुलसीराम कब आए बेटा? अभी सीधा ही चला आ रहा हूँ, कि इस बदमाश को आप पर हमला करते देखा। भगवान ने तुम्हें मेरी रक्षा के लिए भेज दिया बेटा, आओ। इसका जिक्र किसी से ना हो तो अच्छा है। ठीक कहते हो, ठीक कहते हो।
मुझे हर रोज इसी तरह कृष्ण मंदिर ले जाया करोगे ना बाबा? हाँ बेटी। कौन है बेटी? ये शायद पहाड़ से गिर पड़े हैं बाबा। सांस तो ठीक चल रही, बहुत चोट आई है बेचारे को, फिर भी बर्फ से फिसलने की वजह से बच गया लगता है। इन्हें हमारे घर ले चलो बाबा। पहाड़ पे ले जाना बहुत मुश्किल है बेटी, अभी इसे दरिया पार मेरे झोंपड़े में ले चलते हैं। उठाओ भाई। बाबू को होश नहीं आया। ये देवता है, इनकी रक्षा करो। मत छुओ मुझे। आपने मुझे पहचाना नहीं, मैं रमा हूं। आप गिर गए थे? गिरा नहीं, गिरा दिया। दिया? आप जैसे देवता को कौन है वो नीच पापी जिसे आपसे दुश्मनी है? वो नीच पापी बतलाइए मुझे, कौन है वो राक्षस जो तीर्थ स्थान पर आकर भी ऐसे कर्म करता है? आप पहचानते हैं उसे? खूब पहचानता हूँ। मैं अभी जाके पिताजी से कहती हूँ, वो उसे उसके पास की सजा दिलवाएंगे। नहीं, मेरी बात में दखल देने का तुम्हें कोई अधिकार नहीं। कोई अधिकार नहीं? मुझे कोई अधिकार नहीं। क्या करते हो बाबू, बेचारी दिन भर से तुम्हारी देखभाल कर रही है। घबराओ मत बेटी, बीमारी में इंसान चिड़चिड़ा हो ही जाता है। मैं घर से आपके लिए कुछ दवा दारू लाती हूँ। नहीं, किसी को मेरा पता नहीं चलना चाहिए। मैं किसी से नहीं कहूंगी, रात को बगैर किसी से कहे चली आऊंगी। रात को दरिया अक्सर तुगयानी में होता है बेटी, उस वक्त इसको पार करना खतरे से खाली नहीं। मगर मुझे तो आना ही होगा बाबा। जब दरिया जरा ठीक होता है तो इस खिड़की में मैं ये बत्ती रख दिया करता हूँ, इसे देख लेना। अब मैं चलती हूँ, पिताजी राह देखते होंगे, उनकी नजरों से ज्यादा देर उछल रहा तो वो बेचारे तड़प उठेंगे। आज बत्ती खिड़की में नहीं रखी जा सकती बेटा, दरिया बहुत उगयानी पे, फरिश्ते के गाने की आवाज भी आ रही है। फरिश्ता? कौन? हाँ बेटा, ये फरिश्ता उगयानी के वक्त खुदा के नेक बंदों को बचाने के लिए आता है। बचाने को आता है। रात को दरिया अक्सर उगयानी में होता है बेटी, उस वक्त इसको पार करना खतरे से खाली नहीं। मेरे एक ही बेटी मुझे जान से ज्यादा प्यारी है। अब मैं चलती हूँ, पिताजी राह देखते होंगे, उनकी नजरों से ज्यादा देर उछल रहा हूँ तो वो बेचारे तड़प उठेंगे। मैं आपकी उम्र भर सेवा करूंगा, मेरे भाई को बचाइए। अबे जा अपने भाई के साथ जाके मर। जब दरिया जरा ठीक होता है तो इस खिड़की में मैं ये बत्ती रख दिया करता, इसे देख लेना।
झनझना रहा, पवन सनसना रहा, गगन झनझना रहा, पवन सनसना रहा, लहर लहर पे आज है तूफान, ओ नैया वाले हो सावधान। गगन झनझना रहा, पवन सनसना रहा, लहर लहर पे आज है तूफान, ओ नैया वाले हो सावधान, सावधान। हिम्मत न हार प्रभु को पुकार, हिम्मत न हार प्रभु को पुकार, वो ही तेरी नैया लगाएगा पार, वो ही तेरी नैया लगाएगा पार। तनिक भी दिल मिलाना ना, जरा भी दिल हिलाना ना, हजार हाथ वाला है भगवान, ओ नैया वाले हो सावधान, सावधान। आपने बुलाया जो था, मगर आप यहाँ कैसे? ओ समझी, चौकीदार ने बत्ती खिड़की में रख दी होगी और तूफान देकर आपने इसे उतारने की कोशिश की। इस तकनी हालत में भी आपने मेरा इतना ख्याल किया, आप सचमुच देवता हैं। लोग पाप करते हुए नहीं घबराते, आप पुण्य करते हुए भी शर्माने लगे। चलिए बिस्तर पर ले जाइए। क्या देख रहे हैं आप? यहाँ आने में तुमने अपनी जान को खतरे में छोड़ा। जान? जान का तो मैंने सोचा ही नहीं, मुझे आना था, मैं चली आई। इसको प्रेम जाल में फंसाकर महंत से जुदा कर दूं तो उम्र भर तड़पता रहेगा। ठीक है। क्या ठीक है? जो मैंने तुम्हारे बारे में सोचा है। क्या सोचा है? यही कि तुम बहुत सुंदर हो। कैसी बातें करते हैं आप? मैंने कहा तुम्हें
जी, महंत जी। क्या है रानी माँ? वो दोनों आ गए। मैंने तो कहा था विनोद रमा के साथ कृष्ण मंदिर चला गया होगा, तुम ऐसे ही घबरा रही थी। अब मैं विनोद से कभी नहीं बोलूंगी महंत जी। क्या है माँ? अरे कई महीनों के बाद तू माँ से मिला और दो पल उसके पास प्यार से बैठा भी नहीं। माँ क्या नाराज हो गई? देखिए महाराज, इसको मना कर दीजिए, ये मैं झूठा प्यार न दिखाया करे। नहीं मानेगी माँ? चल तुमसे ना बोल। नहीं बोलू? देख ले माँ, फिर पाँव छू के भाग जाऊंगा, चूमने के लिए तड़पती रहेगी। हाँ, मेरे पाँव न छू। न छू? विनोद, विनोद, विनोद। माँ अब ये कृष्ण भक्तों की जोड़ी मिल गई है, अब माँ बाप को कौन पूछता है। तो फिर ये जोड़ी तक ही कर दीजिए महाराज, और नहीं तो निश्चिंत होकर राम का नाम ही जपेंगे। पिताजी मैं अपने कमरे में चलती हूँ। ओह शर्मा गई। हरिओम हरिओम। आओ आओ। कदम जरा संभल के रखो बाबू। तुम हर रोज यहाँ क्यों आती हो? हेलो। हाँ हर रोज ही आती हूँ। क्यों आती हूँ ये तो मैंने कभी सोचा ही नहीं। क्योंकि तुम्हें मुझसे प्रेम हो गया। प्रेम? हाँ, जब हर वक्त किसी के पास रहने को जी चाहे, जब कुदरत के तूफान और इंसान के कानून किसी को किसी से दूर न रख सके, जब तन मन की सुध न रहे, तो उसे प्रेम कहते। होने लगा है मुझ पे जवानी का अवसर, झुकी जाए नजर। होने लगा है मुझ पे जवानी का अवसर, झुकी जाए नजर। देखो छलक पड़ी है मेरे रूप की गगन, झुकी जाए नजर, ओ झुकी जाए नजर। होने लगा है मुझ पे जवानी का अवसर, झुकी जाए नजर। I'm not afraid.
जाए नजर, होने लगा है मुझ पे जवानी का अवसर, झुके जाए नजर, ओ झुके जाए नजर। रमा मेरी दुल्हन बनो। अभी इसी वक्त। हाँ हमारी शादी अभी होगी, वरना कभी ना हो सकेगी। क्यों? क्योंकि तुम्हारे पिता मुझे कभी मंजूर नहीं करेंगे। क्यों नहीं करेंगे? आप जैसे देवता को कौन नापसंद करेगा? तुम बहुत भोली हो रमा। अमीर और गरीब के दरमियान एक अटल दीवार है। एक अमीर पुजारी अपनी चहेती बेटी को मुझ जैसे भिकमंगे के हवाले क्यों करेगा? नहीं, या तो तुम अभी मेरी दुल्हन बनोगी वरना मेरी शादी मौत से होगी। नहीं हाँ, अगर तुम ना कर दोगी तो मैं पहाड़ पर से कूद कर अपनी जान दे दूंगा। बोलो तुम्हारा क्या फैसला है? मेरे पिता कभी ना ना करेंगे बाबू। मैं समझ गया, मेरे लिए तुम कभी अपने पिता को नहीं छोड़ोगे और मैं तुम्हारे बगैर जिंदा नहीं रहूंगा। अगर तुम्हारा यही फैसला है तो मैं अभी अपने आप को खत्म कर डालूंगा। बाबू मुझे मंजूर है, जो कहो मंजूर है। मैं तुम्हारी रहूंगी, मैं हमेशा तुम्हारी रहूंगी बाबू। मैं आज ही मंदिर में तुम्हें भगवान के सामने अपना लूंगी। भगवान के सामने? ठीक है, हमारी शादी का गवाह भगवान से बेहतर और कौन हो सकता है? मैं अब चलती हूँ। कहाँ? घर। घर ही तो आई हूँ। आओ। कौन से भगवान के दर्शन करने गई थी आप दिन भर? आपको मेरे कमरे में बैठने का क्या अधिकार है? मुझे आप पर भी अधिकार मिलने वाला है देवी जी। आप गलती पर हैं, निकल जाइए यहाँ से। मेरी यह तक बहुत महंगी पड़ेगी आपको। निकल जाइए बाहर। क्या हुआ बेटा? क्या हुआ? तुमने विनोद को नाराज कर दिया बेटा। पिताजी, आपने विनोद बाबू से मेरी शादी का प्रण किया है। बाप के लिए बेटी की भलाई चाहना बुरी बात है क्या? नहीं पिताजी, इसमें मेरी भलाई नहीं। मैं विनोद बाबू को नहीं अपना सकती। क्यों? क्योंकि मैं किसी और को अपना चुकी हूँ। किसको? पिताजी, आपने उम्र पर मेरी कोई बात नहीं डाली। मुझे विश्वास था कि आप मुझे ना नहीं करेंगे। मैं उनके बिना नहीं रह सकती। वो देवता है, आप उन्हें देखती ही खुश होंगे। मगर कौन है वो? उसका नाम क्या है? नाम? नाम तो मैंने पूछा ही नहीं। मैं तो उन्हें देवता कहती और मानती हूँ। कहाँ है वो? दरिया के पार, कृष्ण मंदिर के पास एक झोपड़ी में। मुझे पहले ही बता दिया होता तो अच्छा था बेटी। फिर भी मुझे विश्वास है कि तुमने सोच समझकर कदम उठाया होगा। मैं अभी उससे मिलने जाऊंगा। अगर लड़का अच्छा है तो मैं अपनी बेटी का दिल कभी नहीं तोड़ूंगा। पिताजी।
हरिओम। अरे भाई कोई है यहाँ? अरे भाई कोई है? कोई है? अरे भाई कोई है? आइए महंत जी। महाराज बड़ी देर से इंतजार था आपका। कौन है? कहाँ हो तुम? घबरा गए महाराज? कौन? अनिल? आपका पुराना सेवक। तुम जिंदा हो? मैं इतनी आसानी से मरने वाला नहीं। दरवाजा खोल दो। घबराइए नहीं महाराज, अब मैं आप पर वार नहीं करूंगा। वो तुम ही हो जिसके बारे में रमा ने? हाँ, मैं ही हूँ आपकी लाडली बेटी का देवता। आपकी चहीती बेटी आपके जानी दुश्मन से प्रेम करने लगी। देखा मेरा इंतकाम? ये नहीं हो सकता। मैं ये कभी नहीं होने दूंगा। मैं तुम्हारे बारे में उसे सब कुछ बता दूंगा। क्या बता दोगे? यही कि तुमने मुझे जेल भिजवा कर मेरे नन्हे भाई की जान ली, मेरी बहन को पेशिया बनने पर मजबूर किया। कहो, बेशक कहो, ताकि वो तुम्हें नफरत से छोड़कर चली जाए। नहीं, वो मुझे कभी नहीं छोड़ सकती। वो तुमसे प्रेम नहीं कर सकती। उसके लिए अब समय नहीं रहा महंत जी। वो मेरी हो चुकी है। मैं उससे तुमसे जुदा करके रहूंगा। मैं अपने भाई और बहन का बदला तुम्हारी बेटी से लेकर रहूंगा। इस तरह मेरे भाई और बहन की सिसकियां मेरे कानों में गूंज रही हैं, उसी तरह तुम्हारी बेटी भी। नहीं, तुम उसे मार डालोगे, तुम उसे तबाह कर दोगे। ये मैं कभी नहीं होने दूंगा। क्या हिम्मत है तो रोक लो। मैं उसे तुमसे जुदा करके रहूंगा। ये मैं कभी नहीं होने दूंगा। तुम उससे प्रेम नहीं कर सकती। मैं तुम्हें नहीं जाने दूंगा। वो मुझे पसंद नहीं है। पिताजी, ऐसा मत कहिए, मैं उनकी हो चुकी हूँ। कभी नहीं। हमारी शादी विनोद सही होकर रहेगी। कल सवेरे हम यहाँ से चले जाएंगे। मगर क्यों पिताजी? ये मेरा हुक्म है, तुम्हें मानना ही पड़ेगा। मानना ही पड़ेगा। कहिए पिताजी, ये नहीं हो सकता। होकर रहेगा। तुम इस कमरे के बाहर नहीं जा सकती। रमा, 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 तुम्हें पिताजी पसंद क्यों नहीं करते? उन्होंने क्या कहा तुम? कुछ कहा भी तो नहीं। कहने की जरूरत ही क्या थी? मैं तुम्हें पहले ही बता चुका हूँ, तुम एक अमीर पुजारी की लड़की, मैं गरीब भिखारी। वो मुझे पसंद ही क्यों करेंगे? मगर तुम देरी हो चुकी हो रम। मैं तुझे लेने आया हूँ रम। मुझे लेने आया मगर पिताजी। अब तुम पर सिवाय मेरे और किसी का अधिकार नहीं। तुम्हें अभी मेरे साथ आना होगा। तुम मेरी हो चुकी हो रमा। मैं तुम्हारी हूँ बाबू, और सदा तुम्हारी रहूंगी। मगर अपने पिता को कैसे छोड़ दूँ? जैसे हर लड़की अपने माँ बाप को छोड़कर अपने पति की हो जाती। मगर ऐसे मेरे पिता का दिल टूट जाएगा। अगर तुम्हें मुझसे ज्यादा उनके दिल का ख्याल है तो रहो, बेशक यहीं रहो। सुनो बाबू, हम एक दूसरे के बगैर नहीं रह सकते रमा। तुम्हें मेरे साथ आना ही होगा। आओ आओ रमा। मैं आऊंगी बाबू, मैं आऊंगी। मैं सब संसार बचकर तुम्हारे साथ आऊंगी। Thank you.
भगवान ने मुझ पर की है, आज मैं अपनी मनमानी करके रहूंगा। आज पुकारो अपने भगवान को पुजारी। ये क्या कह रहे हो? भगवान के क्रोध से डरो? भगवान का क्रोध बहुत देख लिया, अब उसे मेरा क्रोध देखना होगा। तुम भगवान के विरोधी हो, तुम नास्तिक हो। हाँ हाँ, नास्तिक, बेशक नास्तिक। आज देखता हूँ भगवान अपने भक्तों को एक नास्तिक से कैसे बचाता है। हट जा पुजारी। पिताजी, रमा, रमा, छोड़ दो मुझे, तुमने मुझे धोखा दिया। तुम्हारे मेरा कोई वास्ता नहीं। नास्तिक, पापी। रमा, मैं तुम्हें मारना नहीं चाहता था, मैं तुम्हें मारना नहीं चाहता। मैंने एक मासूम की जान, मुझे क्षमा कर दो, मुझे क्षमा। जान ले लो भगवान, मेरी बच्ची की जान बख्श दो। न जाने किसकी नजर लग गई है मेरी बच्ची को। हर प्रकार की दवा दारू कर चुके हैं, लेकिन ठीक ही होने को नहीं आती। दवा दारू रोगी का होता है, इन्हें कोई रोग नहीं। आइए। ये माँ बनने वाली है। ये आप क्या कह रहे हैं? थोड़ा सोच समझ के बात कीजिए। मैंने गलत नहीं कहा रानी साहब। आप जानते हैं ये कुंवारी है। मैं जानता हूँ। बोल रमा, क्या ऐसा है? मुझसे पाप हुआ रानी, मुझे क्षमा कर दो। क्षमा? इस पाप की क्षमा मांगती है? कुंवारी माँ के महापाप को क्षमा की जा सकता है? नहीं नहीं रानी माँ, तुम गलत समझे, मैं कुंवारी नहीं हूँ, मैंने शादी की है। मैं किसी को बता नहीं सकी। झूठ की आड़ में अपने कलंक को छिपाने की कोशिश मत कर। रानी माँ, मैंने आज तक झूठ नहीं बोला। मैंने भगवान की मूर्ति के सामने शादी की है। मैं सौगंध खाकर कहती हूँ मैंने शादी की है। मगर मेरा पति नास्तिक है। नास्तिक? हाँ, उसने मुझे धोखा दिया।
मैंने उसे देवता समझकर अपना देवता मान लिया। अपने बूढ़े पिता की वो देख, जब दुनिया को तेरे पाप का पता चलेगा तो तेरे पिता को लोग धिक्कार कर कहेंगे, वो जा रहे हैं महान परम धर्म महंत महाराज, जिनकी आंखें दूसरों के पाप ढूंढती थी मगर अपना न देख सकती, ये है वो धर्म के रखवाले, जिनकी कुंवारी कन्या को एक नास्तिक से बच्चा हुआ। क्या तेरे पिता ये सब दुर्गति सह सकेंगे? कभी नहीं। तेरे पाप का प्रायश्चित तुझे अपने जान से करना पड़ेगा। नहीं, मैं अपने पाप का प्रायश्चित खुद करूंगी, मैं पिताजी का सिर झुकने न दूंगी, मैं आज ही डूब मरूंगी, मगर एक परम कमल प्राणी माँ पिताजी से मैं कहना, वो दुखी होंगे। मुझे भ्रष्ट न कर डालिए, आज से मैं इस पाप के घर की ओर मुंह भी नहीं करूंगी। मैं सूर्यवंशी हूँ, मैं उच्च जात हूँ, नीच जात और पापियों को देखने में भी मेरी हेती है। भगवान ने मुझे और मेरे विनोद को वक्त पर बचा लिया। मैं अपने पाप का प्रायश्चित करने जा रही हूँ, मुझे ढूंढने की कोशिश न कीजिए। यमा! में आ रही है, तुम मुझे यहां क्यों लाए? शादी के लिए। जब मिन्नत समाज से काम न चले तो जबरदस्ती करनी ही पड़ती है। शादी एक मुर्दे से? मैं नाम तो जिंदा हूँ विनोद, बस एक सांस निकलने की देर है। ओहो, क्या भोलेपन का दांव मारा है, मासूम बेचारी भोली। विनोद इन बातों में आने वाला नहीं, खुशी से मान जाओ इसी में तुम्हारी भलाई है। मैं अब किसी के नहीं हो सकती, मैं मरना चाहती हूँ, मुझे मरने दो, मैं अब किसी के नहीं हो सकती। अब तुम्हारी मर्जी का सवाल नहीं रहा, अब मेरी मर्जी का सवाल है। फिर भी मैं तुम्हें सोचने के लिए कुछ वक्त और देता हूँ। मेरी इंसानियत को हैवानियत में बदलने का मौका नहीं दो तो अच्छा है। मुझ पर तरस खाओ विनोद, मुझे छोड़ दो, मैं मरना चाहती हूँ। मौत मांगना आसान है, मरना मुश्किल। मरहमपट्टी का इंतजाम करो। जी। कौन है भाई तुम? तुम? तुमने मेरी बच्ची का नाश किया है। कहाँ है मेरी रमा? बताता क्यों नहीं, कहाँ है? बताओ, ले लिया बदला, मेरा करेगा ठंडा, मार मुझे, मार, तू नहीं हाथ उठाता, मेरी बच्ची का नाश कर दिया है, अब मेरा नाश तू नहीं कर देता।
मैं उसे मारना नहीं चाहता। तुमने तो उसे मार ही डाला था। भगवान की दया से मैं पास था, बचा लिया उसे, नहीं तो वो डूब ही गई थी। बचा लिया तो क्या वो जिंदा है? वो जिंदा है मांझी? जिंदा है, मगर मुझे छोड़कर चली गई। मेरी बच्ची मुझसे रूट गई। मैं उसे ढूंढते ढूंढते पागल हो गया। मेरी आंखों की जो आंसू बनकर बह गई है। कहां है रमा? बता मांझी कहां है रमा? क्यों अब भी कोई अत्याचार बाकी है? मैं पागल हो गया हूं। अब तुमसे क्या क्रोध? न जाने कहां चली गई बेटा। वो तुझे पसंद करती थी, उसे डर था कि मैं उसकी शादी कुमार अब से न कर दूं। कुमार? कौन कुमार? वही विनोद, रानी साहब का बेटा। कुमार साहब? वो कुमार साहब है भैया? एक कुमार साहब ने मुझे इस जिंदगी पर मजबूर कर दिया था भैया। विनोद कुमार साहब है? रमा कहीं के हाथ नहीं आ गई? नहीं, मैं उसके घर भी तलाश कर चुका हूँ। घर? वो उसे घर नहीं ले जाएगा। मैं जानता हूँ वो उसे कहाँ ले जाएगा। मैं उसे जेल से मार डालूंगा। अब तो तुम अच्छी हो गई हो रमा। देख लो, हमारी मोहब्बत ने तुम्हें नई जिंदगी दे दी है। अब तो हमारा तुम पर अधिकार हो गया। क्यों, क्या सोच रही? सोचती हूँ इस जीवन को कैसे खत्म करूं। पगली, दुख में इंसान घबरा जाता है। रमा, मैंने तुम्हारा दिल बहलाने के लिए आज एक बहुत मशहूर गाने वाली का इंतजाम किया है। आओ मेरे साथ। खबरदार हाथ मत लगाना। उन्हें आता है प्यार पर गुस्सा, हमें गुस्से पे प्यार आता है। जिद न करो फिर ये जरूरत। सरकार, महफिल में आपका इंतजार हो रहा है। आता हूं। महफिल के बाद मैं शादी का ऐलान करने वाला हूं। अगर तुम राजी हो गई तो बेहतर है, वरना तुम्हें जबरदस्ती अपनी बना के छोड़ूंगा।
आज तो खूब दान इकट्ठा हुआ। लोगों के दिलों में माता जी की श्रद्धा दिन पर दिन बढ़ती ही जा रही है। मगर जब माता जी को हमारी असलियत का पता चला तो खैर नहीं। अरे बिचारी ईश्वर भक्त औरत ठहरी, श्राप देने के सिवा और कहीं क्या सकती है। अच्छा पैसे समेटो और चलें जल्दी। हाँ, हाँ चलो चलो। चलो चलो। तुम भी प्रसाद लोगे बेटा? माता जी यहाँ अभी अभी एक मुल्जिम भागता हुआ आया है, हम आश्रम की तलाशी लेना चाहते हैं। ये भगवान का घर है बेटा, यहाँ इंसान का कानून नहीं चल सकता। मगर भगवान का घर पापियों की पनाह के लिए इस्तेमाल नहीं किया जा सकता माता जी। अगर भगवान के घर में कोई पापी चला आया है तो उसने अपने आप को सबसे बड़ी अदालत में पेश कर दिया है, फिर आपको उसकी चिंता नहीं होनी चाहिए। जो आ गया चलो। राम स्मरण क्या करो बेटा, कल्याण होगा। राम का नाम रटने से क्या कल्याण हो जाता है? अवश्य हो जाता है बेटा, राम नाम में बड़ी शक्ति है बेटा। वाल्मीकि जी भी ऋषि बनने से पहले एक डाकू थे, नारद मुनि ने उन्हें राम नाम जपने को कहा। राम का नाम भूलकर वो 12 बरस मरा मरा जपते रहे, फिर भी उनके विश्वास से उन्हें मोक्ष प्राप्त हुआ। ये कहानियां मूर्खों के लिए हैं। तुम विश्वास खो बैठे हो, इसलिए तुम पर अज्ञान का पर्दा पड़ गया है। राम स्मरण से ये पर्दा हट सकता है। जाओ, भगवान तुम्हारे साथ रहेंगे। महाराज आप जैसे धर्मात्मा तो मुर्दों को भी जीवित कर देते हैं, मेरा कल्याण कीजिए महाराज। महाराज चलो देवी, हम देखते हैं। आइए जल्दी आइए महाराज, आइए महाराज, इन्हें बचाइए, न जाने अचानक इन्हें क्या हो गया है, सांस भी चलती नजर नहीं आती, हर तरह के दवा दारू कर चुके हैं। मैं आपसे अपने सुहाग की भिक्षा मांगती हूँ महाराज, मैं सुहाग की भिक्षा मांगती हूँ, मैं सुहाग की भिक्षा मांगती हूँ महाराज। शांति करो देवी। राम कल्याण करेंगे।
राम कल्याण करेंगे। मेरे पति अच्छे हो गए, बाबा जी ने चमत्कार कर दिया, मेरे पति अच्छे हो गए। बाबा जी की जय। कल्याणी महाराज प्रभु है। अरे मरे हुए आदमी को जिंदा कर दिया महाराज। अंतर्यामी धन्य धन्य महाराज। राम नाम में बड़ी शक्ति है बेटा। ऋषि वाल्मीकि राम का नाम भूलकर 12 बरस मरा मरा जपते रहे, फिर भी उनको मोक्ष प्राप्त हुआ। राम नाम में बड़ी शक्ति होती है। मूर्खों ने बेहोश को मुर्दा समझ लिया और लगे मेरी जय जयकार कर। महाराज आप रहते कहाँ हो? हमारा क्या ठिकाना, आज यहाँ कल वहाँ। तो महाराज सामने एक पुराना आश्रम खाली पड़ा है, कुछ दिनों के लिए आप वहाँ विश्राम कीजिए तो हमारा सबका कल्याण हो जाएगा। जो तुम्हारी ले जाओ। चलिए बाबा जी की जय। 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 देवी जी ये बाबा जी कौन है? अंतर्यामी है, इन्होंने मेरे पति को नया जीवन दिया है। अच्छा तो हम भी चले, शायद अपने को भी कुछ दे दें। क्या तेजस्वी मूर्त है बाबा जी की, क्या तेज है, क्या तेज है बाबा जी की, मानो देवलोक से आए। हम भी इनकी शरण में आए, देखें क्या लाभ होता है। जरूर लाभ होगा भाई। होगा? हाँ हाँ। आपने ठीक ही कहा था सेठ जी, बाबा जी के तो दर्शन करते ही मेरे मन की मुरादें पूरी हो गई हैं। बोलो बाबा जी की जय। बाबा जी की जय। शांति शांति। सेठ जी आपके गले का हार कहाँ है? हार महाराज? अरे मेरा हार कहाँ गया महाराज? गुम हो गया महाराज, गुम हो गया। किसने चुरा लिया महाराज? गुम हो गया। धीरज रखो, मिल जाएगा। मिल जाएगा भाई, मिल जाएगा। ए भक्त यहाँ आओ। कौन? चलो भाई। अरे तुमको 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 मुझे मुझे महाराज। हाँ हाँ तुम चलो चलो महाराज, आपकी गलती होगी कुछ महाराज। यहाँ आओ भक्त, हार लाओ। हार तो महाराज किसी दुष्ट ने चुरा लिया है। हम उस दुष्ट को जानते हैं। आप तो अंतर्यामी हैं। लो सेठ जी अपना हार। धन्य धन्य महाराज धन्य। बोलो बाबा जी की जय। चल पुलिस में। नहीं ये हमारा मुल्जिम है, बाबा जी इसे हम सजा देंगे। धन्य महाराज। मुझे आप ही सजा दीजिए महाराज। हमसे मंत्र लो। बाबू बोलो बाबा जी की जय। बाबा जी की जय। बाबा जी की जय। धन्य महाराज धन्य, तुम तो धन ही धन हो। जय बाबा जी की। महाराज आपने इस दास को बचाकर बहुत बड़ी कृपा की, मगर आपके इस शिष्य को यह समझ नहीं आया कि वो मुर्दा जीवित हो जाने का चमत्कार कैसे हो गया। चमत्कार तो लोगों की मूर्खता का था, क्योंकि मैं साधु के भेष में था और उस आदमी के अचानक अच्छा हो जाने को लोगों ने मेरा चमत्कार समझा। भाई तुम मानो या ना मानो, मगर भगवान ने तुमको सीधे रास्ते पे लाने के लिए तुम्हारे ही हाथों चमत्कार करवाया। खैर इस स्वाम की ओट में मैं यहां पुलिस की नजरों से रमा की तलाश कर सकता हूं। मगर विनोद की लाश गायब कहां हो गई? हुजूर आपके जाते ही किसी ने मेरे सर पर डंडा मारा, मैं बेहोश हो गया। होश आने पर देखा कि लाश गायब है। जिसने कत्ल किया है लाश भी उसी नोटिफाई होगी। अम्मा कुमार साहब ने मुर्दे की वो एक्टिंग की है कि बस कमाल कर दिया। पिस्तौल के चलते ही गिर पड़े। अच्छा गोली तो लगी नहीं, लेकिन वो बेवकूफ ये समझा कि कुमार साहब खत्म हो गए। वाह वाह क्या कहने कुमार साहब। अजी जवाब नहीं।
शुक्र है कमबख्त का निशाना अच्छा न था। खैर अब मुझे मरा हुआ समझकर पुलिस से सर छुपाता फिरेगा। बेटा जरा बात तो सुनो, यहाँ अंदर एक भिखारन को बच्चा होने वाला है, बेचारी अकेली है, तुम जरा एक मिनट ठहरो, मैं पड़ोस से दाई को बुला लाऊं। अच्छा माई। राम के भक्त भी बड़े ठीठ होते हैं, रोते हैं तड़पते हैं फिर भी उसी को याद करते हैं, मूर्ख। हाय राम, हाय राम, हाय राम, हाय राम। ये बत्ती बुझ गई माई। मैं जला लेती। देखो तुम जरा से पानी गर्म कर दो। मैं? हाँ हाँ तुम, और कौन? स्वामी। घबराओ मत बहन, तुम्हारा स्वामी यही बाहर खड़ा है। मेरा स्वामी तो राम के सिवाय कोई नहीं। तुम बत्ती जलाओ माई। कैसा खूबसूरत बच्चा है। बहुत खूबसूरत है। तुम प्रभु के प्यारे हो इसलिए ऐसा चांद सा बेटा मिला है। बेटा? ये मेरा बेटा नहीं है। क्या ये तुम्हारा बेटा नहीं है तो तुम्हारी गोद में आते ही चुप क्यों हो गया? इंसान को धोखा दे सकते हो लेकिन भगवान को नहीं। भगवान? मैंने कह दिया ना ये मेरा बेटा नहीं है। बाबा जी की। शांति बंधुओं, शांति। बाबा जी समाधि में हैं, मैं अभी उनको लेके आता हूँ। अरे यार तुम भी अजीब उल्लू के बच्चे हो, लोग तुम्हारे दर्शनों को बेचैन हो रहे हैं और तुम रमा को ढूंढते रहते हो। थोड़ा सर के दर्शन दो। मगर आज करोगे क्या? अब हर रोज तो तुम्हें कार होना मुश्किल है। अभी जोकर इन लोगों को बेवकूफ बनाना क्या मुश्किल है? बगैर मतलब की बातें करो, ऐसी कि जिसके कई मतलब निकले वो तुम्हें बड़ा ज्ञानी समझेंगे। उन्हें धुतकारो, गालियां दो, वो तुम्हें और भी विद्वान समझेंगे। बाबा जी आ गए। बाबा जी की। हम ये शोरगुल पसंद नहीं करते, हम नहीं चाहते कि हमारी जय जयकार हो। धन्य हो महाराज, धन्य हो। बोलो बाबा जी की जय। हमारे पास कोई चमत्कार, जादू या टोना नहीं है। हम किसी रोगी को ठीक नहीं कर सकते, हमारे पास किसी को न लाया जाए। बाबा जी की जय। शांति शांति। आपने बाबा जी की उच्च पदवी को देखा, उन्हें नाम नहीं चाहिए, उन्हें दान नहीं चाहिए, उन्हें ईश्वर भक्ति के सिवा कोई काम नहीं चाहिए। बाबा जी की जय। मगर बगैर किसी को कहे सुने बाबा जी सैकड़ों अनाथों और विधवाओं की सहायता करते हैं। उन अनाथों और विधवाओं की सहायता के लिए आप लोग जितना भी दान दे सकते हैं दीजिए। Thank you.
कबीरा तेरी झोपड़ी गल कुटियों के पास, जो करेंगे सो भरेंगे तू क्यों बेउदास। हरिओम। मालिक सरकार, हमारे आश्रम की आमदनी क्यों खत्म हो गई? इसमें हमारा कोई कसूर नहीं सरकार, हमारे आश्रम के सामने एक नए बाबा जी ने दूसरा आश्रम खोल रखा है, इसी वजह से हमारा आश्रम खत्म हो गया सरकार। कौन है ये बाबा? कुछ कह नहीं सकते मालिक। देखो तुम इस बाबा का पता लगाओ। बेहतर सरकार। और तुम जिस तरह भी हो अपने आश्रम की आमदनी बढ़ाओ, वरना खाल खींच लूंगा। जाओ। धन्य महाराज, तुम तो धन्य धन्य हो। महाराज की जय हो। कौन हो तुम? आपके दर्शनों के अभिलाषी। क्या चाहते हो? वही जो आप चाहते हैं। हम भी आपकी तरह नगत नारायण के पुजारी हैं, और एक पुजारी को दूसरे पुजारी से प्रसाद बांट कर खाना चाहिए महाराज। वाह, चोरों पे मोर, इनको एक पैसा भी मत देना अनिल बाबू, एक चोर दूसरे का क्या बिगाड़ लेगा। झगड़ा ना करो जोकर, ये मेरी असलियत जाहिर करके मुझे मुसीबत में डाल सकते हैं। रुपया दे दूं इन्हें। लो। बाबा जी ज्ञानी आती हैं, आए तो थे आश्रम खत्म करने के लिए, लेकिन अब तो हमें भी श्रद्धा हो गई है। श्रद्धा का बच्चा। चलो। अच्छा महाराज, फिर मिलेंगे। आओ गेट अप, फिर मिलेंगे। जय बाबा जी की। जय बाबा जी। जय जय महाराज। जय बाबा जी की। जय बाबा जी की। माई जी, बच्चे को इतनी सूजन क्यों है? इसका बदन भी तप रहा, मुझे डर है इसे किसी जहरीले कीड़े ने ना काट लिया हो। मेरे बच्चे को कुछ हो गया तो मैं क्या करूंगी? घबराओ नहीं बेटी, मैं किसी हकीम या डॉक्टर को बुला लाती हूँ। कौन है? इस पापन को निकाल दो यहाँ से, अभी निकाल दो। क्यों निकाल दूँ? आखिर इस पिताई का कसूर क्या है? ये कुमारी माँ है, ये पतिता है, पापन है, इसको निकाल दो वरना हम झोपड़े को अभी आग लगा देंगे। खबरदार, आगे मत बढ़ना। ये लोग ठीक कहते हैं, मैं पतिता, मुझे यहाँ रहने का कोई अधिकार नहीं। कौन कहता है कि तुम्हारा कोई अधिकार नहीं है? भगवान ने यह दुनिया सबके लिए बनाई है, अगर मर्द ने इसे अपने लिए बना लिया है तो हम औरतों को इस अन्याय के खिलाफ लड़ना ही होगा। नहीं माई जी, मुझे मत रोकिए, मैं आपकी मुसीबत बनकर नहीं रहूंगी। मगर तुम्हारा बच्चा बहुत बीमार है ना बेटी, इस हालत में इसे लेकर कहाँ जाओगी? प्रभु के चरणों में रख दूंगी, उसी की अमानत है, चाहे दे दे चाहे ले दे। बाबा जी के आश्रम जाने की कोई जरूरत नहीं बहन, माता जी के चमत्कार से तुम्हारा बच्चा अभी अच्छा हो जाएगा। ये लो, माता जी तुम्हें देखते ही भागे आ रही है। माता जी, मेरे बच्चे को बचाइए। बच्चा बहुत बीमार माना होता है। हाँ माँ, इसको जीवन दो, इसके बिना मैं पागल हो जाऊंगी। माँ, भगवान पर विश्वास रखो बेटी, वो तुम्हारी अवश्य सुनेंगे। भगवान मेरी कहाँ सुनता है माँ? मुझे पाप हुआ है ना, वो मुझे रूठ गया है, माँ के दर्द को कोई नहीं समझता। बच्चे की हालत बहुत खराब हो रही है। गोविंद, कोई वैद्य हकीम बुलाना। वैद्य हकीम कुछ कर सकते थे तो मैं आपके पास क्यों आती? मैं भगवान के पास तुम्हारे बच्चे के लिए प्रार्थना के सिवाय और क्या कर सकती हूँ बेटी? जाओ गोविंद, कोई वैद्य हकीम बुला दो। नहीं, मेरे बच्चे को लौटा दीजिए, मैं बाबा जी की शरण में जाऊंगी, वो मेरे बच्चे को बचाने। आप माँ की दर्द को क्या जाने? अब रोने से क्या फायदा, अगर एक चमत्कार दिखा देती तो सारा आश्रम फिर से भर जाता। अगर आप में चमत्कार दिखाने की शक्ति नहीं, चले जाइए आश्रम से, हम लोग आपके बगैर ही आश्रम चला लेंगे। ठीक कहते हो बेटा, मैं जाती हूँ, भगवान तुम्हारी सहायता करे। ये मौका फिर नहीं मिलेगा, आइए, जो करेगा सो भरेगा। महाराज, मेरा बच्चा बहुत बीमार। कौन? रमा। ठीक कीजिए महाराज। रमा, आपको
मेरा नाम कैसे पता चला महाराज? नाम? महाराज अंतर्यामी है देवी, इन्हें क्या नहीं पता? बोलो बाबा जी की। धन्य हो महाराज, आप अब मेरा बच्चा अवश्य अच्छा हो जाएगा, अवश्य अच्छा हो जाएगा। हाँ देवी, ये अवश्य ठीक हो जाएगा, ये अवश्य ठीक हो जाएगा। देवी, कुछ दिनों के लिए तुम इसी आश्रम में विश्राम करो। एक बेसहारा को सहारा दिया। तुम्हारा पति कहाँ है देवी? पति? क्या बताऊं महाराज, न जाने कहाँ है। क्या वो इतना बुरा है कि उसका नाम सुनते ही तुम दुखी हो? जय बाबा जी की। दास फिर हाजिर हो गए। कौन तुम? हाँ महाराज, जैसा तेज वैसा भेद। लाइए, हमारे लिए क्या है? मैं तुम्हें कुछ नहीं दे सकता, निकल जाओ यहाँ से। हम तुम्हें उस लड़की पर डोरे डालते हुए देख चुके हैं, अगर हमसे टक्कर ली तो ये प्रेम का नाटक अधूरा रह जाएगा। मुझे तंग न करो, मुझसे ये पाप हर रोज नहीं होता। अगर हर रोज नहीं होता तो एक ही बार कर डालो, हमें 10,000 इकट्ठा कर दो और हम तुम्हारा पीछा छोड़ देंगे। 10,000? हाँ, 10,000 कैसे हो सकता है? कह दो इस मंदिर को नया बनवाना है, पल भर में हजारों इकट्ठे हो जाएंगे और हम भी तुम्हारा पीछा छोड़ देंगे। वरना जय बाबा जी की। हमने ये मंदिर नया बनवाने का सोचा है बाबा जी की। इस शुभ कार्य के लिए जितना भी हो सके दान दीजिए। महाराज, नए आश्रम के लिए मैं 1,000 रुपया भेंट करूंगी। कोई न देख सके, मैं भी न देख सकूं। क्यों महाराज? यह गरीबों की अमानत है, इसे कोई चुरा न ले। मगर ये तो भगवान की भेंट है, इसे कौन चुराएगा? इस दुनिया में हर तरह के पापी। मेरी बात मान, इसे छुपा। मेरे बच्चे को बचा लीजिए डॉक्टर साहब,
किसी तरह से बता दीजिए। हालत तो बहुत खराब है मेरे भाई। खैर मैंने दवाई दे दी है, भगवान पर भरोसा रखो। भगवान पर भरोसा। लंगड़े को कुछ दे जाओ बाबा, लंगड़े को कुछ दे जाओ बाबा, लंगड़े को कुछ दे जाओ बाबा। बच्चा बीमार है क्या? हाँ। डॉक्टरों के पास ले जाने से कुछ ना होगा। ठीक है। वो आश्रम वाले बाबा है ना, उन्हीं के पास ले जाओ, ठीक हो जाएगा। मेरा बच्चा भी मरता मरता उन्हीं के आशीर्वाद से ठीक हुआ था। मुझे किसी फकीर और बाबा पर विश्वास नहीं। यही तुम्हारी भूल है बेटा, पत्थर पर विश्वास रखो तो वो भी भगवान हो जाता है। तुमने मेरे बच्चे की जान बचाई भगवान, ये मेरी मन्नत स्वीकार कर। राम नाम में बड़ी शक्ति है बेटा। वाल्मीकि जी भी ऋषि बनने से पहले एक डाकू थे। नारद मुनि ने उन्हें राम नाम जपने को कहा। राम का नाम भूलकर वो 12 बरस मरा मरा जपते रहे, फिर भी उनके विश्वास से उन्हें मोक्ष प्राप्त हुआ। नहीं नहीं, मैं नहीं मानूंगा, मैं नहीं मानूंगा, मैं नहीं। ठीक हो गया महाराज? ठीक हो जाएगा दीदी, शांति करो। माँ का अपना बच्चे के भगतने कर रहे बेटा। आप मुझे बहरूपिया जानते हुए भी प्रणाम करती हैं? मैं तुम्हें उस शक्ति को प्रणाम करती हूँ जो तुम्हारे द्वारा सैकड़ों का भला कर रही है। आप शक्ति को गलत जगह ढूंढती हैं, वो मुझ में नहीं है। मन के अंधेरे में उसका नजर आना कठिन है। अपनी आत्मा के मंदिर में विश्वास की जोत जलाकर देखो। बहुत देखा, बहुत तलाश किया मगर कहीं ना पाया। तुमने तलाश किया ही नहीं। प्रार्थना करो, अपनी प्रार्थना में तड़प पैदा करो, ऐसी तड़प कि मंदिर गूंज उठे, प्रार्थना की लहरें संसार भर में फैल जाए, दुनिया भर की शक्तियां तुम्हारी प्रार्थना को पूरा करने के लिए बेचैन हो जाए, धरती और आकाश गूंज उठे, किस्मत कांपने लगे और भगवान तुम्हारे सामने आकर कहे मांगो क्या मांगते हो। बाबा जी उस देवी के बच्चे की हालत खराब हो रही है। क्या? कुछ कीजिए महाराज, कुछ कीजिए महाराज। चिंता ना करो, मैं भी डॉक्टर को बुला लाऊं। डॉक्टर क्या करेगा, आप कुछ कीजिए महाराज। जय बाबा जी की। मुझे बहुत जरूरी काम है, हट जाओ। हमें भी तो कुछ काम है महाराज। सुना है आपकी दफा उम्मीदों से ज्यादा इकट्ठा हुआ है। अब तो तुम्हें एक पाई भी नहीं मिलेगी, छोड़ दो मुझे। मगर वो रुपया कहाँ है? वो रुपया अब ऐसे हाथों में है जहाँ से कोई नहीं ले सकता, मैं भी नहीं ले सकता। समझा, तो नतीजा अच्छा नहीं होगा। मुझे नतीजे की कोई परवाह नहीं, छोड़ दो। तो बाबा ने रुपया देने से इनकार कर दिया? जी हाँ, उसने रुपया सब उस लड़की को दे दिया। कौन है वो लड़की? ये तो पता नहीं, लेकिन बाबा उस पर लट्टू जरूर है। ये बात है तो पहले उस लड़की को ही काबू करना पड़ेगा। आइए डॉक्टर, जल्दी आइए। मैं
मैं डॉक्टर साहब को ले आया हूँ। आइए इस बच्चे को बचा लीजिए डॉक्टर साहब, मैं सारी दुनिया की दौलत आपके कदमों पर रख दूँ। बाबा जी आप इसके लिए क्यों नहीं कुछ? तुम बाबा जी बने हुए थे? तुम डॉक्टर साहब बच्चे को देख रहे? डॉक्टर साहब मेरे बच्चे को बचाइए, बच्चा तो खत्म हो चुका है। डॉक्टर मेरे बच्चे, मेरे बच्चे। नहीं नहीं डॉक्टर, मेरे बच्चे को बचा लीजिए, मेरे बच्चे को बचा लीजिए। मेरे बच्चे, मेरे बच्चे। खबरदार जो अपने भ्रष्टाचारों से मेरे बच्चे को छुआ तो मेरे बच्चे की मौत के अपराधी तुम ही हो। मेरे बच्चे का खून इतना सिक्का बच्चा कैसे जी सकता है? नास्तिक चोर वो मेरे भगवान, मुझे इतनी सजा क्यों दी? मैंने क्या किया था जो मुझे एक नास्तिक के हाथों बर्बाद किया? मेरे बच्चे, मेरे मासूम, मैं तेरी अपराधी हूं। जिसने एक नास्तिक से प्रेम किया। बेचारे का बच्चा मर गया। देखते क्या हो अपने बाबा के पाप पकड़। यही है तुम्हारे बाबा जी, तुम्हारे भगवान, तुम्हारे दुखों को दूर करने वाले, और अपने बच्चे के खूनी, अपने बच्चे के खूनी, अपने बच्चे के खूनी। रमा, रमा, रमा बेटी, रमा, होश में आओ बेटी। लाला सो रहा है, शोर न मचाओ, इसकी आंख बेटा। रमा, रमा, जब चारों तरफ अंधेरा तो आत्मा के मंदिर में विश्वास की जोत जलाओ, प्रार्थना करो, अपनी प्रार्थना में तड़प पैदा करो, ऐसी तड़प के मंदिर गूंज उठे, प्रार्थना की लहरें संसार में फैल जाए, दुनिया भर की शक्तियां तुम्हारी प्रार्थना को पूरा करने के लिए बेचैन हो जाए, धरती और आकाश गूंज उठे, किस्मत कांपने लगे और भगवान खुद तुम्हारे सामने आकर कहे मांगो क्या मांगते हो, वो देखो भगवान तुम्हें पुकार रहा है। आगे बढ़ो, तुम एक कदम आगे बढ़ोगे वो हजार कदम आगे बढ़ेगा, तुम बुलाओगे वो भागा आएगा, तुम प्रणाम करोगे वो लिपट जाएगा, वो देखो मंदिर में जाएगा, वो घंटियां पुकारने लगी, कहो राम, कहो राम, कहो राम, 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 राम। अब तो तेरा राम भी इसको मुझसे नहीं बचा सकता। विनोद, छोड़ दे सपना। विनोद, हट जा। रमा को बताइए, रमा को बताइए। यहाँ क्यों आई हो माँ? चली जाओ यहाँ से। दरवाजा खोल दो विनोद, मैं तोड़ डालूंगी। दरवाजा नहीं खोल सकता माँ। अच्छी बात है, तुम मुझे तोड़ नहीं पाएंगे। रमा, विनोद, विनोद मेरे बच्चे। माँ, तूने मुझे गोली मार दी। तुमने ऐसा नीच काम क्यों सोचा मेरे नाम? विनोद, विनोद मेरे बच्चे। मैं समझती थी ऊंच जाति वाले ऐसा नीच कर्म नहीं कर सकते। भगवान ने मेरे गलत विश्वास की मुझे सजा दी है। विनोद, भगवान
क्या मेरी रमा कभी होश में नहीं आएगी? दुनिया भर के नास्तिक कितने नमक हराम, अपना दोष न देखते प्रभु को करें बदनाम। जोर लगा ले अरे जमाने कितना जोर लगाएगा, इस जग में भगवान का झंडा कभी न झुकने पाएगा। ओम हरि ओम हरि ओम हरि ओम। प्रभु की निंदा करने वाला धरती में धस जाएगा, इस जग में भगवान का झंडा कभी न झुकने पाएगा। ओम हरि ओम हरि ओम हरि ओम। नहीं हुआ है कभी न होगा, हरी सरी खादानी सारे जग को मुक्त दे रहा, अगन पवन और पानी पाल रहा अपनी धरती पर वो सबकी जिंदगानी। बदले में लेता न किसी से एक भी कौड़ी कानी, कौन जगत में अपना खजाना हर की तरह लुटाएगा। इस जग में भगवान का झंडा कभी न झुकने पाएगा। ओम हरि ओम हरि ओम हरि ओम। आए इस दुनिया में करोड़ों गए करोड़ों राही, कर्मों के अनुसार भोग कर खुशियाँ और तबाही। लाख लाख सदियों से देते सूरज चांद गवाही, प्रभु का आसन आज तलक है जैसा का तैसा ही। ना कोई फौज है ना कोई पलटन ना है कोई सिपाही, फकत इशारों से चलता है काम प्रभु का शाही। ये आकाश पे लिखा लेख है इसको कौन मिटाएगा। इस जग में भगवान का झंडा कभी न झुकने पाएगा। Not
जोर लगाएगा, इस जग में भगवान का झंडा कभी न झुकने पाएगा।